नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एफएम न्यूज़। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक अरबपति बार्बर यानी हेयर कट करने वाले के बारे में। बेंगलुरु के गरीब परिवार में जन्मे रमेश बाबू के पिताजी एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। जब रमेश 7 साल के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया। छोटी ही उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। उन्हें अपने काम के महीने में मात्र 100 रुपए मिलते थे। उन्होंने 18 साल की उम्र में अपना परिवार का काम यानी हेयर कटिंग शुरू कर दिया। वो अपने काम में इतने एक्सपर्ट हो गए कि वो सुबह 6 बजे से देर रात तक काम करते थे। ऐसे में उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए एक मारुति ओमनी लोन पर खरीद ली, लेकिन वे इसकी किस्त भी नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में उनके किसी जानकार ने कहा कि वो अपनी गाड़ी किराए पर क्यों नहीं देते हैं। ऐसे उनका टूर और ट्रैवल का काम भी शुरू हुआ। इससे जो मुनाफा हुआ उससे उन्होंने अपनी गाड़ी की किस्तें जल्दी पूरी कर दी और फिर एक और गाड़ी खरीद ली। ऐसे ही करते करते उनका कार रेंटल का बिजनेस शुरू हो गया। 2004 तक उनके पास 7 कारें हो गई। उस समय तक बेंगलोर में लग्जरी कारें कम ही थी, तो रमेश जी ने सोचा कि उन्हें कुछ अलग करना चाहिए, तो उस समय उन्होंने लग्जरी कारें खरीदना शुरू कर दिया, जैसे ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज आदि। 2011 में उनको लगा और बड़ा करना चाहिए, तो उन्होंने 3.5 करोड़ की रोल्स रॉयल खरीद ली और उसे 50,000 रुपए पर डे के हिसाब से रेंट पर देते थे। आज उनके पास 400 से भी ज्यादा कारें हैं। उनके पास जैगुआर, बीएमडब्ल्यू, रोल्स रॉयल जैसी कई कारें हैं। खास बात यह है कि रमेश बाबू आज भी अपने सैलून जाते हैं, वहाँ भी काम करते हैं। वो कहते हैं कि यह मेरा खानदानी काम है और मैं काम हमेशा करता रहूंगा। दोस्तों, रमेश बाबू की जीवन यात्रा हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। रमेश बाबू से हमें यह प्रेरणा व शिक्षा मिलती है कि चाहे हम जैसा भी हो और हमारे इरादे मजबूत व बुलंद हैं, तो हम ऊंचाइयों को छू ही लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियोस के लिए एफएम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।